ની સુવિધા સભર અને શ્રેષ્ઠ જીવન પ્રાપ્ત થાય અને રાજ્યનો સર્વોત્તમ વિકાસ થાય તેવા ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને આવો ઉત્સાહભેર તેઓના ઉદબોધન માટે આમંત્રિત કરીએ। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद खाते आयोजित वंदे भारत एक्सप्रेस तथा अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज वन ना शुभारंभ प्रसंगे अपनी सौनी साथे मंच पर उपस्थित दिग्दर्शनवंत नेतृत्व थकी भारत तथा राज्य सर्वांगी विकास ने नवी ऊंचाई अपनार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी साहेब महामय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी प्रदेश अध्यक्ष ने नवसारी ना सांसद श्री सी आर पाटिल जी केंद्रीय रेलवे मंत्री श्री अश्विन वैष्णव जी केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री दर्शनाबेन जरदोस अहमदाबाद ना मेयर श्री किरीट भाई परमार सौ सांसद सभ्यो सौ धारासभ्यश्रीओ संगठन ना सौ पदाधिकारी श्री उपस्थित अधिकारीगण विशाल संख्या में उपस्थित सौ नागरिक भाईओ बहनों प्रेस मीडिया ना मित्रों सौ ने मारा नमस्कार। आजे अमदावाद ना नागरिकों माटे आनंद नो अवसर छे। नवरात्रि ना दिवसों अमदावाद अने समग्र गुजरात माटे गरबा ना उमंग साथे आधुनिक परिवहन सेवानी शुरुआत नवा रंग लईने आव्यो छे। गुजरात नु सद्भाग्य छे के आवा आधुनिक विकास ना आयामो ने वैश्विक शहरी विकास की दिशा अपना सौना लोकलाड़ीला विकास पुरुष वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई नी दृष्टि थी मळ्या छे। वडाप्रधान श्री ए प्रबल राजकीय इच्छा शक्ति अने विकास की राजनीति समन्वय थी गुजरात अने देश होलिस्टिक डेवलपमेंट नो नवो इतिहास रच्यो छे। गामडू होय नगर होय के महानगरो सामान्यमां सामान्य नाना मानवीनी जरूरियातनो ख्याल राखीने वडाप्रधान श्रीए विकासनी मुख्य धारामां गरीब वंचित ग्रामीण अने मध्यम वर्गीय सौने जोड़वानी दिशा लीधी छे। वडाप्रधान श्रीए गामडाना नाना नगरोने प्राणवान अने वाइब्रंट बनावानी नेम साथे रूबन कॉन्सेप्टनी भेट आपी छे। साथोसाथ राज्यना मोटा शहरों महानगरों ने पण इन्फ्रास्ट्रक्चर अने सीटिजन सेंट्रिक गुड गवर्नंस ना कामों थी वर्ल्ड क्लास स्मार्ट अने सस्टेनेबल बनाव्या छे। आजे सामान्य वर्गनो मानवी पण उड़ान सेवा थी हवाई मुसाफरी करी सके तेवी सरल अने सस्ती परिवहन सेवा तेमणे आपी छे। एटलू ज नहीं मेट्रो रेल सेवा अने अति आधुनिक ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस नी आजे भेट आपने आपी छे। आ अमदावाद मेट्रो रेल प्रथम तबक्का में बे कॉरिडोर पर दौड़से। अमदावाद ना नगरजनों माटे झड़पी सरल अने कॉस्ट इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट नू सक्षम माध्यम बनशे। अमदावाद अने समग्र गुजरात ने आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई ना नेतृत्वनी केन्द्र सरकार अने राज्य सरकार एम डबल एंजीन सरकार ना लाभ साथे विकासनी गति वेगवंती बनावी छे। अमदावाद ने तो वडाप्रधान श्री ना दृष्टिवंत आयोजन ना अनेक लाभ मळ्या छे। 2009 मां तेमणे अमदावाद नी प्रथम जनमार्ग परिवहन सेवा बीआरटीएस शुरू करावी। वडाप्रधान श्री ना ड्रीम प्रोजेक्ट साबरमती रिवरफ्रंट ने आ वर्षे दशको पूर्ण थयो छे। वर्ल्ड हेरिटेज सीटी तरीके ओळख पामेला अमदावाद ना ए प्राचीन सत्व अने तत्व ने जाळवीने आधुनिकता साथे नगर विकास कई रीते थई शके तेनुं आगवुं दृष्टांत आदरणीय वडाप्रधान श्री अमदावाद नो कायाकल्प करीने पूरू पाड्यु छे। एक समये सुकी भंठ रहती साबरमती नदीना पटमा सर्कसना तंबू बंधाता अने छोकराओ क्रिकेट रमता जोवा मळता हता। आजे साबरमती रिवरफ्रंट प्रोजेक्टनी सफळताए विश्वने रिवरफ्रंट डेवलपमेंटनी नवी व्याख्या आपी छे। जे साबरमती तरफ भाग्ये ज कोई जोतुं ते हवे पाणधी छलोछल अने वोटर राइड बगीचा जेवा आकर्षणथी फरवा लायक स्थळ बन्युं छे।
वडाप्रधान श्री काकरिया लेक फ्रंट डेवलपमेंट, अटल फ्रूट ओवरब्रिज, 100 जेटला नाना मोटा तळावोना रीडेवलपमेंट थी अमदावाद ने रडियाडू सुगड अने महानगर बनावी दीधुं छे। आ महानगर सहित राज्यभरना नगरो गामों ने स्वच्छ साफ सुगड राखवाना तेमना आह्वान ने अमृत 2.0 मिशन थी सफळताथी आपणे पार पाड्युं छे। प्रधानमंत्री श्री आवास योजना होय के पछी शहरी गरीबों ने आर्थिक आधार आपी कोरोना काल पछी पुनः बैठा करवानी पीएम स्वनिधि योजना होय गुजराती दरेक क्षेत्र में उत्कृष्ट कामगिरी करी छे। सौनो साथ, सौनो विकास, सौनो विश्वास अने सौना प्रयास थी सर्वग्राही, सर्व समावी, सर्व स्पर्शी विकास थयो छे। तेना परिणामे प्रजानो विश्वास बे दायका थी नरेन्द्र भाई पर वधतो ज गयो छे। आजे वडाप्रधान श्रीए मेट्रो ट्रेन अने वंदे भारत एक्सप्रेस थी महत्वपूर्ण स्वागत द्वारा विश्वास थी विकास नी यात्रा ने नवी गति आपी छे। कवच टेक्निक थी देश में ज विकसित करवामां आवेली वंदे भारत ट्रेन ने तेमणे प्रस्थान करावी छे। आ ट्रेन ए आत्मनिर्भर भारत नी आगवी ओळख छे। आ वंदे भारत ट्रेन गुजरात अने देशना मुसाफरो माटे अति झड़पी अने सुरक्षित परिवहन नू एक नव नजराणू बनशे। रेलवे स्टेशन नू रीडेवलपमेंट शहरोना इंटीग्रल डेवलपमेंट ने सुसंगत थाय ए माटे वडाप्रधान श्रीए देशना 3 रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट माटे रूपया 10,000 करोड़ फाळवानो निर्णय कर्यो, तेमा अमदावाद रेलवे स्टेशन नो समावेश कर्यो छे। गुजरात ने आ भेट आपवा माटे 6.5 करोड़ गुजराती वती आदरणीय वडाप्रधान श्री नो हूँ खूब खूब आभार मानू छू। हवे आवनार दिवसों में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पण वडाप्रधान श्री ना मार्गदर्शन में साकार थशे अने गुजरात की नवी ओळख बनशे। आपणे आदरणीय वडाप्रधान श्री ना मार्गदर्शन में शहरीकरण ने अवसर में पलटाव्यु छे। अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर, अर्बन मोबिलिटी अने होलिस्टिक अर्बन डेवलपमेंट थी गुजरात वडाप्रधान श्री ना नेतृत्व में देश अने दुनिया में शहरी विकास नू रोल मॉडल बनशे एवा विश्वास साथे विरमू छू। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। माननीय मुख्यमंत्री श्री, आपना प्रेरक उद्बोधन माटे आपनो खूब खूब आभार मानिए छे। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर पश्चिम रेलवेज नई वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से नम्र निवेदन करूंगी कि वे अपने कर कमलों से वंदे भारत एक्सप्रेस का रिमोट द्वारा लोकार्पण करें। वंदन है भारत को, वंदन है स्वदेशी के विचार को, वंदन है दृढ़ संकल्प को, वंदन है इस संकल्प से निकले परिणाम को, वंदन है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच चलने वाली पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन को, वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदन आत्मनिर्भर भारत को। कृपया ध्यान दीजिए, ये ट्रेन वंदन है प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप को, पिछले 8 सालों में हुए रेलवे के ट्रांसफॉर्मेशन को, वंदन है स्वदेश में निर्मित वंदे भारत एक्सप्रेस को, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते भारतीय रेलवे के कदमों को। ये ट्रेन वंदन है भारत की अत्याधुनिक तकनीक को, सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का आ गया दौर। यात्रियों का सफर होगा आरामदायक, समय की होगी बचत। वंदे भारत 2.0 में है कवच की सुविधा जो ट्रेन परिचालन में सुनिश्चित करेगी संरक्षा। ड्राइविंग कैब बनाए गए हैं एरोडायनामिक, लुक है आकर्षक और गति है तेज। इसमें ब्रेकिंग सिस्टम है एडवांस। ये ट्रेन सेट है एनर्जी एफिशिएंट। फुल्ली एसी ट्रेन में है इंटेलिजेंट एसी सिस्टम जो क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से होगा एडजस्ट। सभी कोचों में है फायर डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम।
जो यात्री सुरक्षा को बनाए पुख्ता। तेज रफ्तार में भी न फील हो जर्क, लगाए गए हैं सेमी परमानेंट कपलर। फ्लड की स्थिति में भी दौड़ेगी ये ट्रेन। ट्रेन सेट का है ग्राउंड से 650 मिलीमीटर का क्लियरेंस। आधुनिक यात्री सुविधा का रखा गया है ख्याल। यात्री सुविधा में नए युग का है सूत्रपात। आपको कंफर्ट फील कराएंगे रिक्लाइनर चेयर्स, मॉडर्न एंड स्लीक विंडो, 32 इंच डिस्प्ले का पैसेंजर इंफॉर्मेशन एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम, सीट के नीचे चार्जिंग पॉइंट, कंसील्ड रोलर ब्लाइंड, टच बेस्ड रीडिंग लाइट, डिफ्यूज्ड एलईडी लाइट, स्लाइडिंग फुटस्टेप के साथ ऑटोमेटिक डोर, टच फ्री अमेनिटीज के साथ बायो वैक्यूम टॉयलेट, इमरजेंसी विंडो, इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम, इलेक्ट्रिक फेलियर के समय जलने वाली इमरजेंसी लाइट। रखा गया है दिव्यांगों का विशेष ख्याल। सीट हैंडल में ब्रेल में भी लिखे सीट नंबर और दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय। ये ट्रेन वंदन है फ्यूचरिस्टिक विजन को, जिससे दो राज्यों के बीच की दूरी होगी कम। औद्योगिक और व्यवसायिक केंद्रों अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और मुंबई में व्यापार व्यवसाय के साथ पर्यटन को मिलेगी और गति, रोजगार में वृद्धि के बढ़ेंगे अवसर। ट्रेन की गति को विकास से जोड़ आत्मनिर्भर भारत में गुजरात की भागीदारी को एक नया आयाम दिया है। वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदन आत्मनिर्भर भारत को। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस की गांधीनगर कैपिटल से मुंबई सेवा का हरी झंडी दिखाकर करेंगे शुभारंभ। दोनों राज्यों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज अहमदाबाद निवासियों को यातायात के लिए मेट्रो की भेंट मिलने जा रही है। आइए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से नम्र विनती करते हैं कि वे अपने कर कमलों से मेट्रो फेज वन का लोकार्पण करें। अब हम अहमदाबाद शहर को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम को जोड़ती मेट्रो फेज वन के बारे में विस्तार से जानते हैं एक एवी द्वारा। देश में तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से देश का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज शहर अहमदाबाद। जितनी तेजी से ये शहर आगे बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी। अब शहर के फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जुड़ गई है अहमदाबाद मेट्रो रेल, अहमदाबाद की नई लाइफलाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीव्र, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल विजन को साकार करती है मेट्रो। इसका 40 किलोमीटर लंबा पहला फेज शहर के चार कोनों और 32 स्टेशनों को दो कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ता है। पहला कॉरिडोर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर थलतेज गांव से लेकर वस्त्राल गांव के बीच डेपो को जोड़ता हुआ लगभग 20 किलोमीटर कवर करता है, जिसमें से 6.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रीच एंड डेपो का उद्घाटन 4 मार्च 2019 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से किया गया था। दूसरा कॉरिडोर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ग्यासपुर मेट्रो डेपो से मोटेरा मेट्रो स्टेशन, जहां विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम स्थित है, वहां तक लगभग 19 किलोमीटर कवर करता है। प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उनके स्पष्ट निर्देश थे कि मेट्रो की शाही सवारी शहर के पूर्वीय क्षेत्र और पुराने शहर के कम चौड़ाई वाले रास्तों से होकर निकले, ताकि सामान्य नागरिकों को सस्ता और तेज यातायात प्राप्त हो सके।
शहर के बीच से गुजरती रेलवे लाइन का अधिकतम तथा शहर के भूमि संसाधनों का उच्चतम उपयोग किया जाए। आम आदमी के जमीन संपादन, पुनर्वास और स्थान परिवर्तन की जरूरत कम से कम की जाए। साथ ही शहर की ये नई जीवन रेखा शहर के पूर्व भाग को पश्चिम और उत्तर भाग को दक्षिण से जोड़े। जितना बड़ा आम आदमी के विकास का सपना, उतनी ही बड़ी चुनौतियाँ। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों एवं पुश्तैनी घरों के नीचे सावधानी से टनलिंग करना। सरखेज गांधीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 165 मीटर लंबा बैलेंस्ड कैंटिलीवर ब्रिज निर्माण, साबरमती नदी पर ब्रिज तथा अहमदाबाद दिल्ली रेलवे लाइन पर ओपन वेब ब्रिज के निर्माण का कार्य शहर के लोगों के अभूतपूर्व सौजन्य से पूरा हो गया है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए अहमदाबाद मेट्रो सुसज्जित है। एस्केलेटर, लिफ्ट, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर, ऑटोमेटेड ट्रेन ऑपरेशंस, अत्याधुनिक कंट्रोल सेंटर और सिग्नलिंग से स्टेशन को सुंदर आर्टवर्क और साइनेजेस से सजाया गया है। इसके अलावा दिव्यांग यात्रियों के लिए जरूरी विशेष सुविधाएं दी गई हैं। मल्टी मॉडल एवं लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो का बुलेट ट्रेन, भारतीय रेलवे, BRTS, AMTS और GSRTC के साथ एकीकरण किया गया है। आज राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो प्रधानमंत्री जी के तीव्र और समयबद्ध विकास के विजन से मेट्रो के निर्माण कार्य में कई गुना तेजी आई है। देश में 2014 से पहले 5 शहरों में 248 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क था, जो आज 20 शहरों में 810 किलोमीटर में फैल चुका है। अहमदाबाद में भी मेट्रो रेल जुड़ेगी युवाओं को रोजगार से और जन जन को सुविधाओं से। अहमदाबाद मेट्रो रेल, अहमदाबाद की नई लाइफलाइन। विशिष्ट संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज 21वीं सदी के भारत के लिए अर्बन कनेक्टिविटी के लिए और आत्मनिर्भर होते भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। थोड़ी देर पहले मैंने गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस के तेज रफ्तार सफर का अनुभव किया। ये सफर था तो कुछ मिनटों का ही, लेकिन ये मेरे लिए बहुत गौरव से भरे क्षण थे। ये देश की तीसरी और गुजरात की पहली वंदे भारत ट्रेन है। कालूपुर रेलवे स्टेशन से कालूपुर मेट्रो स्टेशन और फिर वहां से अहमदाबाद मेट्रो की सवारी करते हुए मैं थलतेज पहुंचा। यानी कोई बाहर से वंदे भारत के जरिए आ रहा हो तो उसके बाद सीधे सीधे मेट्रो पर चढ़कर शहर में अपने घर जा सकता है या काम के लिए शहर के दूसरे हिस्से में जा सकता है। और गति इतनी तेज कि जो शेड्यूल कार्यक्रम बनाया था उससे 20 मिनट पहले मैं थलतेज पहुंच गया। अपने घर जा सकता है या काम के लिए शहर के दूसरे हिस्से में जा सकता है। और गति इतनी तेज
कि जो शेड्यूल कार्यक्रम बनाया था उससे 20 मिनट पहले मैं थल तेज पहुंच गया। मैं आज ट्रेन में सफर कर रहा था, डिपार्टमेंट के लोग कई खूबियां बताते रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी करते रहते हैं, कितनी स्पीड है, क्या व्यवस्था है सब। लेकिन एक और पहलू जो शायद डिपार्टमेंट की तरफ का ध्यान नहीं गया है, मुझे वो अच्छा लगा, मैं बताना चाहता हूं। ये जो वंदे भारत ट्रेन है, मैं कोई गणितज्ञ नहीं हूं, वैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन मोटा मोटा मैं अंदाज लगा सकता हूं कि हवाई जहाज में यात्रा करते समय अंदर जितनी आवाज आती है, वंदे भारत ट्रेन में वो आवाज शायद 100वें हिस्से की हो जाती है। यानी 100 गुना ज्यादा आवाज विमान में होती है। विमान में अगर बातचीत करनी है तो काफी दिक्कत रहती है। मैं वंदे भारत ट्रेन में देख रहा था, आराम से मैं लोगों से बातचीत कर रहा था क्योंकि कोई आवाज ही नहीं थी बाकी। इसका मतलब जो लोग हवाई जहाज के आदि हैं उनको अगर ये आवाज के विषय में ज्ञान हो जाएगा, मैं पक्का मानता हूं वो हवाई जहाज नहीं वंदे भारत ट्रेन पसंद करेंगे। अने मारा अहमदाबादियों, मारे आज अहमदाबाद ने 100-100 सलाम करवी छे। नवरात्रि नो त्यौहार होए, रात आखी दांडिया चलता होए, आपणू शहर के आपणू गुजरात ऊंघतू ज ना होए, एवा नवरात्रि ना दिवसों में आ धूम धकती गर्मीनी वच्चे आटलो मोटो विराट जनसागर, मैं पहली बार जोयो छे भाई। हूँ अहियां ज मोटो थयो, आवड़ो मोटो कार्यक्रम अमदावाद करी बतायो होय, ये मारो आ पहलो अनुभव छे। अने एटला माटे अमदावादियों ने मारा 100-100 सलाम। अने एनो अर्थ ए थयो कि अमदावादियों ने मेट्रो सूझे नहीं बराबर समझण छे। मैं एक बार अमारा अर्बन डेवलपमेंट ना मंत्रियों जोड़े बात करी थी, मैं कहूं भाई तमें मेट्रो में आखा देश में करवी जोईए, आपणी जवाबदारी छे, पर तमने अमदावादियों सौथी वधारे रिटर्न आपसे। मने के केवी रीते? मैं कहूं साहेब अमारा अमदावादी छे ने हिसाब लगावे कि ऑटो रिक्शा में जाऊं तो केटला पैसा जाए, केटलो टाइम जाए, केटली गर्मी खावी पड़े, आने मेट्रो में जाऊं तो आटलो दाले तरत ही मेट्रो में आई जाए। सौथी वधारे आर्थिक रीते लाभ करे ये अहमदाबाद नो पैसेंजर करे। एटले तमारा अहमदाबाद में एक जमाना में हूँ अमदावाद नो ऑटो रिक्शा वालों कर गीत गाता था, हवे मेट्रो वालो एम कर गीत गाते। मैं सचमुच में आज अहमदाबाद को जितनी बधाई दू, जितनी सलाम करो, उतनी कम है दोस्तों। आज अहमदाबाद ने मेरा दिल जीत लिया है। भाई और बहनों,
21वीं सदी के भारत को देश के शहरों से नई गति मिलने वाली है। हमें बदलते हुए समय और बदलती हुई जरूरतों के साथ अपने शहरों को भी निरंतर आधुनिक बनाना जरूरी है। शहर में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आधुनिक हो, सीमलेस कनेक्टिविटी हो, यातायात का एक साधन दूसरे को सपोर्ट करे, ये किया जाना बहुत आवश्यक है। और जो गुजरात में मोदी की पर बारीकी नजर रखने वाले लोग हैं, वो वैसे एक अच्छी जमात है और एक तेज जमात भी है, उनको ध्यान होगा जब मैं यहां मुख्यमंत्री था, मुझे साल तो याद नहीं है, बहुत वर्षों पहले हमने अहमदाबाद में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के ग्लोबल समिट किया था। यानी उस समय भी मेरे दिमाग में चलता था, लेकिन कुछ विषय भारत सरकार के होने के कारण मैं तब नहीं कर पाया। अब आपने मुझे वहां भेजा तो मैंने अब ये कर दिया। लेकिन ये सोच आज साकार होती हुई देखता हूं, और इसी सोच के साथ बीते 8 वर्षों में शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना बड़ा निवेश किया जा रहा है। 8 वर्षों में एक के बाद एक देश के 2 दर्जन से ज्यादा शहरों में मेट्रो या तो शुरू हो चुकी है या फिर तेजी से काम चल रहा है। देश के दर्जनों छोटे शहरों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। उड़ान योजना छोटे शहरों में हवाई सुविधा देने में बड़ी भूमिका निभा रही है। हमारे जो रेलवे स्टेशन हुआ करते थे, उनकी क्या स्थिति थी ये आप भलीभांति जानते हैं। आज गांधीनगर रेलवे स्टेशन दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट से कम नहीं है। और 2 दिन पहले भारत सरकार ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को भी आधुनिक बनाने की स्वीकृति दे दी है। साथियों, देश के शहरों के विकास पर इतना अधिक फोकस, इतना बड़ा निवेश इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये शहर आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण को सुनिश्चित करने वाले हैं। यही अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, भोपाल, इंदौर, जयपुर, यही सब हिंदुस्तान के 25 साल के भाग्य को गढ़ने वाले हैं। ये निवेश सिर्फ कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं है, बल्कि दर्जनों शहरों में स्मार्ट सुविधाएं बन रही हैं, मूल सुविधाओं को सुधारा जा रहा है, मुख्य शहर के आसपास के इलाकों, सबर्ब्स को विकसित किया जा रहा है। ट्विन सिटी का विकास कैसे होता है, गांधीनगर अहमदाबाद इसका उत्तम उदाहरण है। आने वाले समय में गुजरात में अनेक ट्विन सिटी के विकास का आधार तैयार हो रहा है। अब तक हम सिर्फ न्यूयॉर्क न्यूजर्सी ट्विन सिटी सुनते रहते थे। मेरा हिंदुस्तान पीछे नहीं रह सकता। और आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं अहमदाबाद गांधीनगर का विकास, ट्विन सिटी का वो मॉडल। उसी प्रकार से हमारे नजदीक में आणंद, नडियाद, उधर भरूच,
भुवनेश्वर, वलसाड़ और वापी, सूरत और नवसारी, वडोदरा, हालोल कालोल, मोरबी वांकानेर और मेहसाणा कड़ी, ऐसे बहुत सारे ट्विन सिटी गुजरात की पहचान को और सशक्त करने वाले हैं। पुराने शहरों में सुधार और उनके विस्तार पर फोकस के साथ साथ ऐसे नए शहरों का निर्माण भी किया जा रहा है जो ग्लोबल बिजनेस डिमांड के अनुसार तैयार हो रहे हैं। गिफ्ट सिटी भी इस प्रकार के प्लग एंड प्ले सुविधाओं वाले शहरों का बहुत उत्तम उदाहरण है। साथियों, मुझे याद है जब मैंने गिफ्ट सिटी की बात शायद 2005-06 में कही थी और उस समय जो मेरा विजन था उसका एक वीडियो प्रेजेंटेशन किया था, तो बहुत लोगों को लगता था यार ये क्या बातें करते हैं, कुछ हमारे देश में हो सकता है, ऐसा मैंने उस समय लिखा हुआ पढ़ा भी है और सुना भी है। आज गिफ्ट सिटी आपके आंखों के सामने खड़ा हो चुका है दोस्तों, और देखते ही देखते हजारों लोगों को रोजगार देने वाला केंद्र बन रहा है। साथियों, एक समय था जब अहमदाबाद में ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या, आपने ते अहमदाबाद में ट्रांसपोर्ट ले लाल बस, लाल दरवाजा लाल बस, अने हरी भरी ने रिक्शा वालों। साथियों, जब मुझे गुजरात ने अपनी सेवा का अवसर दिया तो मेरा सौभाग्य रहा कि हम यहां बीआरटी कॉरिडोर पर काम कर पाए, ये भी देश में पहला था। मुझे तो बीआरटी बस की पहली यात्रा का साक्षी बनने का सौभाग्य भी मिला था, और मुझे याद है लोग विदेश से आते थे तो अपने परिवार को कहते थे कि इस बार जब गुजरात जाएंगे तो जरा बीआरटी में ट्रैवल करना है, बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है। साथियों, तब भी कोशिश यही थी कि सामान्य नागरिक, सामान्य जन, उनकी सुविधा कैसे बढ़े, उनके लिए सीमलेस कनेक्टिविटी का लाभ कैसे मिले, और लोकतंत्र और शासन का यह काम होता है कि सामान्य नागरिक की आवश्यकताओं के अनुसार और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के संकल्प के साथ विकास की यात्रा को इन दो पटरी पर चलाना होता है। आज उसी सपने को भव्य रूप से हम सच होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर हृदय से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज अहमदाबाद मेट्रो के लगभग 32 किलोमीटर सेक्शन पर यात्रा शुरू हुई है, और ये आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, भारत में मेट्रो की शुरुआत हुई तब से अब तक में ये पहली बार ऐसा रिकॉर्ड बना है कि एक ही साथ 32 किलोमीटर करीब करीब उसकी यात्रा का लोकार्पण हुआ है। इसकी और एक विशेषता रही है, रेलवे लाइन के ऊपर से मेट्रो ट्रैक के निर्माण की मुश्किल चुनौतियों के बावजूद ये काम तेजी से पूरा हुआ है। इससे मेट्रो के लिए अतिरिक्त जमीन की जरूरत भी नहीं पड़ी। आज मेट्रो के पहले फेज का लोकार्पण हुआ है, वहीं फेज टू में गांधीनगर को कनेक्ट किया जा रहा है। भाई और बहनों, अहमदाबाद और मुंबई के बीच शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन से देश के दो बड़े शहरों के बीच सफर को आरामदायक भी बनाएंगी और दूरी को भी कम करेगी। सामान्य एक्सप्रेस ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई पहुंचने में करीब करीब 7, 8 घंटे लगा देती है, कभी कभी उससे भी ज्यादा समय लगता है। शताब्दी ट्रेन भी कभी 6, 6.5, 7 घंटे तक समय ले लेती है।
लेकिन वंदे भारत ट्रेन अब ज्यादा से ज्यादा 5.5 घंटे में ही अहमदाबाद से मुंबई पहुंचा देगी। धीरे धीरे इसमें और सुधार होने वाला है और आज जब मैं वंदे भारत ट्रेन को बनाने वाले चेन्नई में बन रही थी उसके बनाने वाले सारे इंजीनियर वायरमैन फिटर इलेक्ट्रिशियन इन सब से मिला और मैंने उनको पूछा, बोले साहब आप हमें काम दीजिए, हम इसे भी अच्छा बनाएंगे, इसे भी तेज बनाएंगे और जल्दी से बनाएंगे। मेरे देश के इंजीनियर्स टेक्नीशियंस इनका ये आत्मविश्वास उनका ये भरोसा मुझे इस बात पर विश्वास से कहने के लिए प्रेरित करता है कि देश इससे भी तेज गति से बढ़ने वाला है। यही नहीं, बाकी ट्रेनों की तुलना में इसमें ज्यादा यात्री सफर कर पाएंगे। मैं एक बार काशी से स्टेशन पे पूछ रहा था, मैंने कहा भाई वंदे भारत ट्रेन का क्या एक्सपीरियंस है, बोले सबसे ज्यादा टिकट वंदे भारत की जा रही है। मैंने कहा वो तो कैसे संभव है, बोले साहब गरीब लोग इसमें जाना पसंद करते हैं, मजदूर लोग जाना पसंद करते हैं। मैंने कहा क्यों, बोले साहब उनकी दो कल्प लॉजिक है, एक लगेज काफी अंदर जगह है ले जाने के लिए और दूसरा इतना जल्दी पहुंच जाते हैं कि जाकर के काम करते हैं तो उतने घंटे टिकट का जो पैसा है वो भी निकल जाता है। ये वंदे भारत की ताकत है। साथियों, आज इस अवसर पर मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार का लाभ कैसे अहमदाबाद प्रोजेक्ट को मिला। जब बोटाद रेल लाइन का ओवरहेड स्पेस मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करने की बात आई तो केंद्र सरकार ने तुरंत इसकी मंजूरी दे दी। इससे वासना ओल्ड हाईकोर्ट रूट की मेट्रो का काम तुरंत ही शुरू होना संभव हो सका। अहमदाबाद मेट्रो पर जब मेट्रो पर काम करना हमने शुरू किया तो रूट ऐसा प्लान किया गया जिससे गरीब से गरीब को भी लाभ हो। यह ध्यान रखा गया कि जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है, जहां सांकरी सड़कें पार करने में बहुत ज्यादा समय लगता हो वहां से मेट्रो गुजरे, अहमदाबाद मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का हब बने, इसका पूरा ध्यान रखा गया। कालूपुर में आज मल्टी मॉडल हब बनाया जा रहा है, यहां बीआरटी स्टेशन के सामने ही और ग्राउंड फ्लोर में सिटी बसें खड़ी होगी, टैक्सी और प्राइवेट कार के लिए अपर फ्लोर में सुविधा रहेगी। सरसपुर एंट्री की तरफ नया मेट्रो स्टेशन है और हाई स्पीड रेल स्टेशनों को भी ड्रॉप और पिकअप पार्किंग जैसी सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। कालूपुर रोड ओवर ब्रिज को सरसपुर रोड ओवर ब्रिज से जोड़ने के लिए स्टेशन के सामने 13 लेन की रोड बनाई जाएगी। कालूपुर के अलावा साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन को भी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथियों, शहर के हमारे गरीब, हमारे मध्यम वर्गीय परिवार, मिडिल क्लास के साथियों को धुएं वाली बसों से मुक्ति मिले इसके लिए इलेक्ट्रिक बसों के निर्माण और संचालन के लिए भारत सरकार ने फेम योजना बनाई है, फेम योजना शुरू की है ताकि पर्यावरण की भी रक्षा हो, लोगों को आवाज से भी मुक्ति मिले, धुएं से भी मुक्ति मिले और गति तेज मिले। इस योजना के तहत अभी तक देश में 7000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों को स्वीकृति दी जा चुकी है। इन बसों पर केंद्र सरकार लगभग 3.5 करोड़ रुपए खर्च कर रही है।
गुजरात के लिए भी अभी तक 850 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत हो चुकी हैं, जिनमें से अनेक बसें आज यहां सड़कों पर उतर भी चुकी है। भाइयों और बहनों, लंबे समय तक हमारे यहां शहरों को जाम से मुक्त करने, हमारी ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास नहीं हुए, लेकिन आज का भारत स्पीड को, गति को जरूरी मानता है, तेज विकास की गारंटी मानता है। गति को लेकर ये आग्रह आज गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में भी दिखता है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में भी दिखता है और हमारे रेलवे की गति को बढ़ाने के अभियान में भी स्पष्ट होता है। आज देश का रेल नेटवर्क आज मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन को चलाने के लिए तेजी से तैयार हो रहा है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ने वाली ये ट्रेनें भारतीय रेलवे की दशा भी बदलेंगे, दिशा भी बदलेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। अगले साल अगस्त महीने तक 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने के लक्ष्य को हम तेजी से काम कर रहे हैं। भारत की वंदे भारत ट्रेन की खूबी ये है कि ये मात्र 52 सेकंड में, 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पकड़ लेती है। अभी जब चीता आया ना, तो ज्यादातर मीडिया में इसकी चर्चा थी कि चीता दौड़ने की गति कितनी सेकंड में पकड़ लेता है। हम 52 सेकंड में ये ट्रेन, साथियों, आज देश के रेल नेटवर्क का बहुत बड़ा हिस्सा मानव रहित फाटकों से मुक्त हो चुका है। ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जब तैयार हो जाएगा तो मालगाड़ी की स्पीड भी बढ़ेगी और पैसेंजर ट्रेनों में होने वाली देरी भी कम होगी। और साथियों, जब मालगाड़ियों की स्पीड बढ़ेगी तो गुजरात के जो बंदर है ना, पोर्ट्स हैं हमारे, वो इससे कई गुना ज्यादा तेजी से काम करना शुरू करेंगे। हिंदुस्तान दुनिया भर में पहुंचने लग जाएगा, हमारा माल एक्सपोर्ट होने लग जाएगा और विदेश से जो सामान आता है वो भी बहुत तेजी से हमें आगे ले जाएगा, क्योंकि गुजरात भौगोलिक रूप से उत्तर भारत के बिल्कुल निकट है, लैंड लॉक एरिया से निकट है, इसलिए गुजरात के समुद्री तट को सबसे अधिक फायदे की संभावना है। पूरे सौराष्ट्र और कच्छ को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। साथियों, स्पीड के साथ साथ आज इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर सोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। पिछले 8 वर्षों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को जन आकांक्षा से जोड़ा है। एक समय वो भी था जब जब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर घोषणाएं सिर्फ चुनावी नफे नुकसान को ध्यान में रखकर की होती थी, टैक्स पेयर की कमाई का उपयोग राजनीतिक स्वार्थों के लिए ही किया जाता था। डबल इंजन की सरकार ने इस सोच को बदला है। स्थायी प्रगति का आधार मजबूत और दूरदर्शी सोच के साथ बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आज इस सोच के साथ भारत काम कर रहा है, भारत दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। साथियों, आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को हमें और गति देनी होगी। गुजरात में डबल इंजन सरकार इसके लिए गंभीरता से प्रयास भी कर रही है। मुझे विश्वास है कि सबका प्रयास से ये काम हम चाहते हैं उस समय तक हम धरती पर उतार करके रहेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। साथियों, आज का दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आज गुजरात के लोगों से एक और काम के लिए
रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मुझे अब मालूम है अभी दो चार दिन में जब मेट्रो सबके लिए खुली हो जाएगी तो जल्दी जाना देखना, बहुत लोग जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं हमारे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे, हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स रेलवे से, अर्बन मिनिस्ट्री से बात करके, मेट्रो वालों से बात करके जाकर के अध्ययन करें कि इतने गहरी खुदाई करके ये रेलवे स्टेशन कैसे बने होंगे, कितना खर्च करना पड़ा होगा, ये पैसा किसका है, हम देशवासियों का है। एक बार हम ये शिक्षा देते रहेंगे कि काम कैसे हुआ है, कितना बड़ा हुआ है, कितने समय में हुआ है, किस किस प्रकार की टेक्नोलॉजी लगी है, तो हमारे बच्चों के विकास के लिए भी काम आएगा। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा शिक्षा विभाग से कि मेट्रो स्टेशनों की मुलाकात सिर्फ मेट्रो ट्रेन में सफर करने के लिए नहीं, उनको दिखाया जाए कि कैसे बना है, कैसे चलता है, क्या काम करता है, इतना नीचे टनल कैसे बनी होगी, इतनी लंबी लंबी टनल कैसे बनी होगी। उनको एक विश्वास पैदा होगा कि टेक्नोलॉजी से देश में क्या प्रगति हो रही है, और उनकी ओनरशिप बनेगी। जब आप मेरे देश की नई पीढ़ी को ये तुम्हारा है, ये तुम्हारे भविष्य के लिए है, जब एक बार मेरे नौजवान को इस बात का एहसास होगा, वो कभी भी किसी आंदोलन में ऐसी प्रॉपर्टी पर हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेगा, उसको उतना ही दर्द होगा जितना उसके अपनी घर की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। उसकी साइकिल को अगर थोड़ा नुकसान होता है तो जो दर्द होता है वो दर्द उसको मेट्रो को नुकसान होने से होने वाला है। लेकिन इसके लिए हम सबका दायित्व है, हम हमारी नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करें, उनकी संवेदनाओं को जगाएं। वंदे भारत कहते ही मां भारती का चित्र मन के अंदर आना चाहिए, मेरी भारत मां के उज्जवल भविष्य के लिए ये वंदे भारत दौड़ रही है, जो वंदे भारत देश को दौड़ाने वाली है। ये मिजाज, ये संवेदनशीलता, ये शिक्षा के नए नए माध्यम, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में व्यवस्था है कि आप बच्चों को उन स्थानों पर ले जाकर के उनको दिखाइए, अगर घर में मटका है तो उसको बताइए कुम्हार के घर ले जाकर के वो मटका कैसे बनाता है, उसे ये मेट्रो स्टेशन भी दिखाने चाहिए, मेट्रो की सारी व्यवस्थाएं समझानी चाहिए। आप देखिए उन बच्चों के मन पर वो भाव बनेगा, उसको भी कभी लगेगा मैं भी इंजीनियर बन जाऊं, मैं भी मेरे देश के लिए कोई काम करूं, ऐसे सपने इनके अंदर बोए जा सकते हैं। दोस्तों इसलिए मेट्रो सिर्फ सफर के लिए नहीं, मेट्रो सफलता के लिए भी काम आनी चाहिए। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार आज अहमदाबाद वासियों को, गुजरात के लोगों को और देशवासियों को ये बहुत बड़ी सौगात देते हुए गर्व महसूस करता हूं, संतोष अनुभव करता हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ पूरे हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अहमदाबाद शहर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पधारे और विशाल जनमेदनी को संबोधित किया और भारत देश के विकास पर। प्रधानमंत्री मोदी रिमोट द्वारा सामी हाई स्पीड ट्रेन नु लोकार्पण कर्यु हतु अने देशना नागरिकों ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी थी बनेली ट्रेन ने भेट आपी, तो आ ट्रेन अति सुरक्षित छे अने तेना माटे कवच टेक्नोलॉजी नो उपयोग करवामां आव्यो छे। प्रधानमंत्री मोदी मेट्रोना फेज वन नु लोकार्पण कर्यु, मेट्रो नी मुसाफरी कर्या बाद उद्घाटन कार्यक्रम मां तेमणे मेट्रो परियोजना ना फेज वन नु लोकार्पण कर्यु। जाहिर जनता 2 ऑक्टोबर थी मेट्रो नी सवारी करी शकशे, तो थलतेज थी वस्त्राल सुधी